इसके बाद टाइप फोर की अगर अपन बात करें तो ये लिखा इंटरोगेट। ठीक, देखो अच्छे से समझना। सबसे पहले अपन ने लिखा डायरेक्ट में अपन ने लिखा ही, फिर लिखा अपन ने सेड, टू और ये मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये लिखे अपन ने हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन ने लिखा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में और ये इनवर्टेड कॉमा क्वेश्चन। ये लिखा अपन ने इनडायरेक्ट, ये आ गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की अगर अपन बात करें तो ही की जगह ही, इस सेट टू की जगह अलग अलग वर्ड आएगी। सबसे पहले क्या आता है, आस्क या इंटरोगेटेड, ठीक है, या इसके अलावा इंक्वायर, या इसके अलावा क्वेश्चन, ये लिखा है। आप केवल किसका प्रयोग करना, आस्क केवल किसका प्रयोग करना, फिर इसके बाद मी की जगह कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दो वर्ड आ जाएगी, एक आएगा इफ और एक आएगा वेदर, एक इफ और दूसरा वेदर। इफ आएगा जब सेंटेंस कैसा हो, सिंपल, और वेदर आएगा जब सेंटेंस में क्या दिया हो और नॉट, क्या दिया हुआ हो और नॉट। यहां तक आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? फिर देखो एक बार, ही की जगह सेट की जगह क्या जाएगा, आस्क, केवल किससे मतलब रखना, मी की जगह एक कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अभी क्या लगाते आ रहे थे दैट, अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह जो यहाँ पर ये सेंटेंस जो दिया हुआ वो तय करेगा कि क्या आना। अगर ये सिंपल है तो क्या आएगा, अगर इस सेंटेंस में और नॉट आ जाए तो फिर क्या आएगा, ये केवल किसकी जगह था, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस क्या बचा, इंटरोगेटिव, ये क्या बचा, इंटरोगेटिव। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपन क्या बना देंगे, सिंपल, क्या बनाएंगे, जब सिंपल बनाएंगे तो पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब और लास्ट में क्या आएगा। इंटरोगेटिव और सिंपल में डिफरेंस क्या होता है कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्या रहता है क्वेश्चन। अगर अपन इसी में सिंपल की बात करें तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट और फिर क्या आएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में तो इंटरोगेटिव, और सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में तो, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपन को कैसा करना होता है। देखो पहले क्वेश्चन, ये लिखा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैव यू टेकन टी है लास्ट में क्वेश्चन, ही की जगह सेट की जगह आस क्या जाएगा, मी की जगह मी। अब ये जो सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्या इस सेंटेंस में और नॉट है, नहीं। ये वर्ड मिलना चाहिए और नॉट है क्या, नहीं, नहीं। अगर और नॉट नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, क्या जाएगा, ये लिखा अपन ने इफ। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस अपन क्या बनाएंगे, सिंपल। सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, फिर इसके बाद क्या आएगी, वर्ब, और लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू को किससे चेंज करेंगे, मी से या मी से, यू को मी से चेंज करेंगे क्या आएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, और ये लेकर टेकन। नहीं आया, आ गया, अगला क्वेश्चन देखते दूसरा। ये लिखा सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये लिखा आर यू गोइंग फॉर, और ये लिखा कॉलेज, एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा। क्या लिखोगे, शी सेड की जगह क्या जाएगा, आस फिर मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह, यू को मी से बदलोगे, इज एम आर किस में जाएगा, क्या जाएगा, आई वॉज गोइंग फॉर कॉलेज। नहीं आया, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर लिखा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैव यू, और ये लिखा टेकन
टी और ये लिखा और नॉट, क्या आ गया और नॉट, और नॉट क्या लिखोगे ही सेट की जगह क्या हो जाएगा फिर मी कॉमन इनवर्टेड कॉमा की जगह अब क्या आएगा क्या लिखता है और नॉट तो क्या जाएगा वेल अब आएगा यू को मी से हैव का और ये लिखा टेकन नोट वेदर केवल एक ही कंडीशन में आएगा जो वहां